अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे विद ऑल द पार्ट्स। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। गिवन दैट ए जो है हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ए को सॉल्व करते हैं। फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है एक्स का, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और फिर उन्होंने बोला है फाइंड फर्स्ट वैल्यू है एफ ऑफ माइनस टू, फिर एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपने परेशान नहीं होना। मतलब कि उन्होंने दिया आपको क्वेश्चन, आपके पास ये है और उसके फर्दर पार्ट्स उन्होंने दिए हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है और इस फर्स्ट पार्ट के आगे से चार पार्ट्स हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ ऑफ माइनस टू निकालना है। मतलब कि हमें एक्स की जगह पर माइनस टू पुट करना है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है, सो उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं एफ ऑफ माइनस टू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, एक्स की जगह यहाँ पर माइनस टू पुट कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह माइनस टू पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर भी माइनस टू ही पुट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी मैं माइनस टू पुट करूंगी। अब जब किसी भी माइनस मतलब कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लिया जाता है तो उसका माइनस ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। सो यहाँ पर आ जाएगा टू टू ज़ार फोर एंड माइनस माइनस प्लस टू, फोर प्लस टू आंसर इज सिक्स। एफ ऑफ माइनस टू जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो। सो हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ ज़ीरो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, नेक्स्ट आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ये सॉल्व करवा देती हूँ सारे पार्ट्स, क्योंकि मैंने ही आपको बोला है कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एफ ऑफ एक्स मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स को मैं दोबारा से यहाँ पर लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। और अगर मैं एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे ज़ीरो पुट करना है। सो ज़ीरो ज़ीरो ज़ार ज़ीरो एंड ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन। यहाँ पर आकर कुछ स्टूडेंट्स जो से हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर उन्होंने सिंपल सी एक जो वैल्यू नहीं दी हुई, उन्होंने एक वेरिएबल टाइप कुछ दे दिया है। आप इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो, बट आपको यही याद रखना है कि ये भी एक वैल्यू ही है। इसको भी आपने टू और ज़ीरो की तरह से ही जो है वो ट्रीट करना है, ये भी एक कॉन्स्टेंट है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर लिखूंगी अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस वन, मतलब कि इस एक्स की जगह मुझे एक वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है एक्स माइनस वन। मैं यहाँ पर एक और स्टेप ऐड कर देती हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी कि एक्स की जगह आप एक्स माइनस वन लिख दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह भी लिखेंगे एक्स माइनस वन और ये वाला जो ऊपर स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस x की जगह मैंने x माइनस वन लिखा है। उसके बाद ये वाला माइनस, देन इस x की जगह दोबारा से x माइनस वन। क्लियर हो गया, x जहाँ जहाँ था उसकी जगह हमने लिख दिया है x माइनस वन। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूले का ए बी, मतलब के टू ए बी टू एक्स एक्स वन ज़ा एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू एक्स। सिंपल जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वन आएगा। उसके बाद माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस वन। क्लियर हो गया, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन प्लस वन प्लस टू। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है एफ ऑफ एक्स माइनस वन का। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। सो यहां पर मैं लिख लेती हूं एक्स स्क्वायर प्लस फोर। मुझे सिंपली क्या करना है, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर पुट करना है। सबसे पहले तो जो मुझे क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू दी गई है ना, मैं इसी को यहाँ पर हर जगह पर लिख रही हूँ। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं देख लेती हूँ मुझे फाइंड आउट क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस फोर। सो मैं लिखती हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर।
मैं यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेती हूँ ताकि हम जो है वो कंफ्यूज ना हो। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हमें क्या करना है, पुट करना है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। क्लियर? सो अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर x है मैं लिख लूँगी एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इस तरह से f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। उसके बाद इस x की जगह दोबारा से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये वाला जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर के ऊपर, फिर माइनस और x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सिर्फ अपनी वैल्यू को पुट किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने स्क्वायर को ओपन करना है। किस तरह से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब के ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस फोर। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 4 हो जाएगी, 2 फोर जार 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 फोर जार 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 12। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर ए जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है, मतलब कि हमने फर्स्ट पार्ट के अगले चारों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर बी की तरफ, जो कि है स्क्वेयर रूट एक्स प्लस फोर। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स प्लस फोर। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट पहले की तरह ही है, मतलब कि फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें फाइंड करना है f ऑफ 2। f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हमें x की जगह 2 पुट करना है। अब मैं एक दो स्टेप्स जो है वो मिस करूंगी, आपने डायरेक्टली उसको समझ लेना है क्योंकि आप पहला क्वेश्चन कर चुके हो। सो यहां पर अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 मतलब के 6, स्क्वेयर रूट 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f ऑफ 0, सो मैं निकाल लेती हूँ f ऑफ 0। f ऑफ 0 निकालेंगे किस तरह से, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, सो ये बन जाएगा 0 प्लस 4 मतलब के स्क्वेयर रूट 4, स्क्वेयर रूट 4 मतलब के 2। क्लियर? नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं मतलब के पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, एक्स माइनस वन। सो एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन प्लस फोर स्क्वेयर रूट एक्स, फोर माइनस वन थ्री, सो स्क्वेयर रूट एक्स प्लस थ्री। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना, फोर्थ पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस फोर लिख देंगे, तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस फोर इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट एक्स की जगह लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस फोर प्लस फोर। ठीक हो गया, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कंप्लीटली सोल्व हो गया है, मतलब कि हमारे दो पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर वन के, दो पार्ट्स थे और इन दोनों पार्ट्स के नेक्स्ट फोर फोर पार्ट्स थे वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स का है, मतलब कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी बदलती जा रही है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर माइनस टू पुट किया तो आंसर सिक्स आया, जीरो पुट किया तो आंसर जीरो आया, एक्स माइनस वन पुट किया तो आंसर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आया। मतलब कि जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी तब्दील होती जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।